वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिलिया रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। देखो लाइट भी अभी जानी थी, मेरा तो यही ड्राम है यार। बंद हो गई लाइट, यहाँ से दो लाइट बंद हो गई। एक तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा कुछ तो, और जो हमारे घर के काम थे मतलब कुआ पूजन वगैरह सब कुछ हो चुका है, सती रखाई एंड पांच दिन के गीत होते वो भी हो गए हैं एंड उसके ब्लॉग धीरे धीरे जाएंगे। थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि ना, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी मीशो से, तो मैं चाह रही थी कि सब कुछ मैं दिखा दूँ आपको वीडियो के ज़रिए, क्योंकि अब 13 तारीख की है करवा चौथ एंड आज है 8 तारीख, तो दिन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने चाह रही थी कि ये वीडियो सबसे पहले चली जाए और इसको मैं मतलब सूट कर लूँ, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अभी मैं नीचे आकर बैठी हूँ, मैं आपको बता दूँ कहाँ आकर बैठी हूँ। देखिए ये हमारा ना ये मेन गेट है, ये हमारा मेन गेट है, तो ये जिसके नीचे का जो हमारा फ्लोर है तो हमने गोदाम में कन्वर्ट कर रखा, मतलब गोदाम बना रखा पूरा, और यहाँ पर एक सोफा लगा हुआ है तो यहाँ पर आते जाते लोग बैठ जाते हैं। आज बारिश का मौसम है, सुबह से क्या मतलब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जब से हमारा कुआ पूजन हुआ उस दिन भी बारिश हो रही थी और 7 तारीख को भी, एंड 7 और 8 और आज 9 है तो आज भी बारिश, तो रोज़ बारिश हो रही है। तो आज वैसे भी कस्टमर नहीं आ रहे, काम थोड़ा डाउन है हमारा। अब मैं चाह रही थी ये चीज़ें दिखा दूँ आपको, क्योंकि फिर व्लॉग चले जाएगा ना टाइम से, तो ठीक रहेगा ये पहले जाएगा एंड बाकी के भी व्लॉग बाकी हैं मेरे, जैसे कि कुआ पूजन और जो रोज हो रहे थे ना संगीत हो रहा था रोज, उसका सब व्लॉग धीरे धीरे मैं डाल दूँगी, एडिट करूँगी समय मिलेगा जैसे ही, तो मैं सब चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। और दिखाती मतलब शुरू कर रही थी और यहाँ मैंने स्टैंड लगा रखा, लाइट चली गई, इसको भी अभी जाना था, सब कुछ ऐसा ही होगा मेरे साथ को। तो चलो फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या मीशो से मंगाया है। तो बहुत सारा सामान मंगाया था, दिखाना ज़रूरी था क्योंकि फिर वो कब दिखाती है, मतलब करवा चौथ के बाद दिखाती है तब भी ठीक नहीं है ना, फ़ायदा ही क्या है, तो इससे पहले दिखाना ज़रूरी है कि मैं अपने लिए क्या क्या मंगाया मैंने करवा चौथ के लिए। चलो जी मैं स्टार्ट करती हूँ, और इसमें की दो चीज़ तो मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, बाकी अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको साड़ियाँ, तो सबसे पहले साड़ियाँ दिखा देती हूँ। तो साड़ियाँ फ्रेंड्स मैंने 3 मंगाई थी, तो एक तो मैंने पहले एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ आपको, थोड़ी सी नॉइज़ आएगी आसपास की, क्योंकि मेन मतलब डोर है हमारे यहाँ पर मेन डोर एंड, तो बिल्कुल जो कॉलोनी है एकदम बाहर, तो थोड़ी सी नॉइज़ आएगी उसकी, तो इग्नोर करना क्योंकि सब लोग हैं, तो मुझे मतलब समझ नहीं आता मैं कब वीडियो बनाऊँ, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आता समझ में कैसे क्या करना, अभी कंफ्यूज रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो जी फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको, तो एक साड़ी तो मैं पहले दिखा चुकी थी एंड ये 2 साड़ी हैं तो इनको दिखा देती हूँ। तो साड़ियों में सबसे पहले दिखाती हूँ ग्रीन साड़ी, जिसका फ़ोटो मैं साथ के साथ यहाँ पर लगा दूँगी साइड में, तो आप देख लेना एंड इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके सब चीज़ का कोड मैं देती हूँ, मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप कोड नहीं डालती एंड कोड दे दीजिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, तो उसमें कोड सभी के रहते हैं जो भी हम मतलब मीशो से या किसी भी ऑनलाइन से ऐप से शॉपिंग करती हूँ सभी के कोड। तो ये साड़ी दिखाती हूँ आपको मैं, तो ये है ग्रीन साड़ी, ये है ग्रीन साड़ी और इसमें काफ़ी कलर है, रेड है, पिंक है एंड ब्लू आई थिंक शायद, पर बहुत सारे कलर हैं इसमें तो आप चेक कर सकते हो, बट इसमें ग्रीन और रेड तो बहुत ज़्यादा बेस्ट कलर है, तो मैंने ये ग्रीन कलर मंगाया है, तो ग्रीन और रेड का कुछ कॉम्बिनेशन है एंड यहाँ पर कुछ इसमें वर्क है, तो लाइट आ गई, चलो मैं लाइट जला देती हूँ। देखिए अब अरे तो फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ मैं, बच्चों की आवाज़ आ रही है बाहर से। तो फ्रेंड्स ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे, तो मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे मैंने, तो इसको ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, तो आप देख सकते हो ये पूरा ना इस तरह से पूरे में इस तरह से लाइनिंग है गोल्डन की एंड इस पर यहाँ पर बॉर्डर पर इस तरह की लेस लगी हुई है, जो कि एकदम से पूरी एकदम सेट कर रखी है, कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं लग रही मुझे, और पूरी साड़ी बेस्ट है, कलर बहुत प्यारा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये है इसका पल्लू, पता नहीं भगवान मेरा कब स्टूडियो रूम बनेगा, कब क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल भी। चलो फ्रेंड्स अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत गुस्सा था मुझे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह की ये है,
तो ये देखो इस तरह की साड़ी है, ये पूरी साड़ी ग्रीन है और गोल्डन उसके मतलब गोल्डन कुछ डिजाइन से लाइनिंग है और फैब्रिक बहुत अच्छा है, एकदम से सिल्की नहीं है जो कि रपटेगा। और ये है इसका ब्लाउज, तो सभी का फोटो मैं साइड में लगा दूंगी तो आप ध्यान से देख लेना। और मैंने अब ये ट्राई नहीं की जो कि मैं वीडियो भी लगा देती, मतलब मुझे पहनी नहीं है अभी, कुछ तैयार नहीं है इसमें, तो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स इस तरह से ये ब्लाउज है, तो ये पूरा डिज़ाइन है, नेक का डिज़ाइन है यहाँ पर एंड ये बैक साइड का डिज़ाइन है और बहुत बेस्ट है साड़ी, बहुत मतलब बहुत प्यारी। इसमें का रेड और ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कलर तो मुझे इतने खास नहीं लगे बट ये तो। एंड सेकेंड साड़ी दिखा देती हूँ आपको मैं, तो सेकेंड साड़ी मेरी ये है जो कि मैंने पर्सनली करवा चौथ के लिए वेयर मतलब मंगाई है। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देती हूँ इसका ब्लाउज, रेड वाली साड़ी का। तो ब्लाउज कुछ ऐसा है, ये बाजू पर डिज़ाइन आएगा और सिंपल है, ज़्यादा वो नहीं है, बस सिंपल है पूरा। तो यहाँ पर ऐसा है, तो ये बाजू पर डिज़ाइन आएगा। चलो तो फ्रेंड्स मैं फ्रेंड्स ये पर्सनली ही मैंने करवा चौथ के लिए मंगाई थी साड़ी, और इसका पहले मैं साड़ी दिखा देती हूँ, साइड में फ़ोटो लगा देती हूँ तो आप भी देख लीजिएगा, और प्राइस के साथ लगा दूंगी मैं तो आप चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स पल्लू से स्टार्ट करती हूँ, तो पल्लू कुछ ऐसा है और यहाँ पर अभी मुझे वो करानी है, पीको बोलते हैं, पीको करानी है। तो ये पल्लू है इसका और देख सकते हो आप लोग, और ये सिल्की टाइप में बिल्कुल जैसे कि आपको दिख रही है ना बनारसी, तो दिख रही है बट ये बनारसी मोटी होती है, तो बनारसी तो नहीं बोल सकती मैं, एकदम थोड़ा सिल्की टाइप का है एंड डिज़ाइन इसका बनारसी वाला है। तो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई एंड रेड कलर मुझे चाहिए भी था तो मैंने यही ही मंगाई है मीशो से। तो ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन है इसका और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई। और ये देख सकते हो आप लोग इस तरह से सारे में इस तरह से डिज़ाइन है पूरा, ये रहा, तो बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है और लॉन्ग भी है अच्छी खासी, छोटी नहीं है जैसे कि छोटी साड़ियाँ कभी कभी होती हैं, बहुत सी साड़ियाँ छोटी आ जाती हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यारी साड़ी है पूरी और बहुत प्यारी साड़ी है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी साड़ी ये। और चलो जी और दिखाती हूँ आपको, साड़ी हो गई हमारी। और फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ मैंने ये जूड़ा का जो ना ये सेट वो मंगाया था, इसको गजरे गजरे जो फेक वाले गजरे होते हैं वो मंगाए हैं। तो इसमें का एक मैंने मंगाया है वाइट कलर, तो ये देखिए ये पता हमारे परिनिया ना कुछ नहीं छोड़ते, उसने ना इसका धागा खींच दिया और उसके कारण ये निकल गया। कोई नहीं मैं इसको ना टाँक लूँगी अच्छे से, जो हो जाएगा सेट हो जाएगा, ये टक जाएगा। तो ये है वाइट कलर का, तो फ्रेंड्स इस तरह से लगाए थे मैंने, हाँ जिस दिन कुआ पूजन था ना मैंने उस दिन लगाया था, तो रेड वाला तो अपनी जेठानी के उस पर लगाया था जूड़े पर, और ये वाइट वाला मैंने लगाया था, तो बहुत ही बेस्ट लग रहा था इस तरह से, तो बहुत सुंदर है, कहाँ गया तो बहुत प्यारा है। तो मैंने ये मंगाया था एक, और एक मंगाया था मैंने रेड वाला, तो ये है रेड का, रेड वाला है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था इस तरह से जूड़े पर लगाकर। तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी जब मैंने जिठानी के लगाया था ना, तो अपने जिठानी जी के जूड़े पर तो वाला फ़ोटो लगा देती हूँ, वो देख लेना आप, साइड में लगा दूंगी मैं। तो मैंने ये मंगाया है मीशो से, अब बताती हूँ मैं चूड़ा, तो चूड़े के लिए पहले मैं बता देती हूँ आपको, आजकल फ़ोटो वाला चूड़ा चल रहा है जो हस्बैंड वाइफ के फ़ोटो लग जाते हैं मतलब सेट हो जाते हैं चूड़े पर, तो वो डिज़ाइन का भी मैं पिछली दो साल से शायद डेढ़ दो साल से देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये फैशन। तो मैं पिछले साल भी बनवाना चाहती थी बट मुझे कोई साइड ऐसी नहीं मिली और ट्रस्टेड जो कि मैं मंगवा पाऊँ, मैं मुझे समझ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ चूड़ा, तो जिसको मैं बहुत समय से सोच रही थी, पिछले साल से भी सोच रही थी बट मैं नहीं मंगवा पाई, मुझे कोई ना ऐप ट्रस्टेड नहीं लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस ऐप से मंगाऊँ, बट अभी मुझे इंस्टाग्राम स्टोर से ना किसी का मतलब आईडी से किसी का पेज था इंस्टाग्राम स्टोर पर, किसी का पेज था तो उससे मैंने मंगवाया है, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा उस ऐप से। तो मैं आपको दिखाती हूँ चूड़ा सेट जिसको मैं दो साल से सोच रही थी, डेढ़ साल से सोच रही थी लेने के लिए बट नहीं ले पाई, बट अब ले लिया है मैंने, तो मैं बहुत समय से सोच रही थी इसको लेने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ कैसा है ये, और इसे करवा चौथ पर ही पहनूंगी मैं, ये देखिए, और मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी तो वो आप देख लीजिएगा, ये देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, एक सेकंड सीधा कर देती हूँ,
तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्यारा, इसमें ना फोटो मेरा मेरे हस्बैंड का पास से दिखा सकती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह के मैंने अपने और अपने हस्बैंड के फ़ोटो लगवाए हैं यहाँ पर। तो दो फोटो यहाँ पर हैं एंड दो फोटो इधर हैं, तो एक चूड़े पर दो फोटो हैं एंड दोनों पर चार लगाकर, तो दो इस तरह से हैं एंड नाम भी लिखवाया है। तो ये है रेनू सिंह जो कि मेरा नाम एंड मेरे हस्बैंड का नाम ये रहा। तो मतलब मैंने ये लगवाया था, इस पर एडिट करवा देते हैं फोटो पिक और अपने नाम भेज दीजिएगा तो ऐसे ही बनवा कर भेजते, तो बहुत प्यारा लगा। मैं बैक कैमरे से और दिखा दूँगी तो बहुत बेस्ट है, मुझे पसंद आया पर्सनली। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये जो फोर हैं इस तरह के चूड़े, ये पूरा सेट है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगा, पर्सनली बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो आप चेक कर लेना, मैं जो उसका कोड भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप फ्रेंड्स एक ये हो गया एंड सेकंड प्रोडक्ट दिखा देती हूँ आपको मैं। ये मैंने करवा चौथ के लिए मंगवाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा। क्या कितनी तारीफ करूँ मैं इसकी, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं कब से सोच रही थी इसको लेने के लिए, बट अब ले ही लिया मैंने ये। फ्रेंड्स एक और मंगाया है मैंने चूड़ा सेट, और ये सेम है डिज़ाइन, और ये मंगाया मैंने अपनी देवरानी और देवरानी के लिए देवर देवरानी के लिए बोलना चाह रही थी मैं। तो ये देखिए, ये मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी। तो इनका ब्राइडल वाला जो पिक है मैंने वो ही भेजा था उन्हें, तो ब्राइडल वाला पिक ही भेजा है। तो ऐसे दिखा देती हूँ आपको मैं, थोड़ा सा मैं चाह रही थी ना खुले नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखो फ्रेंड्स, देखिए इनकी शादी की फ़ोटो भेजी थी मैंने, तो इस तरह से सेम है हमारा डिज़ाइन, बट फोटो चेंज है, नाम चेंज है, तो बाकी सब सेम है। तो ये भी बहुत बेस्ट लगा, तो मैंने ये भी मंगाया था अपनी देवरानी के लिए। ये भी मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी आपको, आप देख लीजिएगा। तो देवरानी हमारी वही है जो कि मैं शादी की जो पूरी जो मैंने शादी की फ़ोटो वगैरह एंड पूरी वीडियोज़ गई थी ना, आपने देखा था तो फरवरी में, तो आप देख लेना एंड सब मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, मुझे सब चीज़ें अच्छी लगी हैं। और देखो थोड़ा मेकअप वगैरह सब कुछ है, वो मैं बाद में मार्केट से ले आऊँगी। बट फ्रेंड्स अभी मैंने ऑनलाइन से यही चीज़ें मंगाई है, तो मैंने इनको दिखाना चाह रही थी। और मेरा मैं इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, सब चीज़ें दिखा चुकी हूँ मैं आपको। एंड थैंक यू सो मच पूरा ब्लॉग देखने के लिए, तो फिर मिलूंगी एंड बाय बाय। शोर शराबा कब बंद होगा पता नहीं, समझ बाय।